खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। इस जन्म में तो तुम नेवी सील नहीं बन सकते, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। ये पहले शब्द थे जो मेरे कान में पड़े। ब्रेंड लीसन कहते हैं कि जब मैंने अपने जुड़वा भाई को बताया कि मैं नेवी सील बनना चाहता हूं, तो वो हंसने लगा। उसने कहा, भाई तुम मजाक कर रहे हो, नेवी सील में बहुत मर्दाना और मजबूत लोग जाते हैं, और दूसरी तरफ तुम रोमांटिक फिल्म देखकर रोने वाले एसी में बैठकर काम करने वाले बच्चे हो, इस जन्म में तो तुम नेवी सील नहीं बन सकते। ब्रेंड लीसन कहते हैं कि भाई का कहना सही था, वो जानता था कि मुझमें कोई विशेषता नहीं है, लेकिन 2 साल बाद मैं उसके सामने नेवी सील बनकर खड़ा था। ये सब कैसे हुआ? साधारण लोगों की असाधारण इच्छा। ब्रेंड लीसन कहते हैं कि लोग समझते हैं कि नेवी सील का मतलब बहुत ताकतवर और मर्दाना योद्धा, जिन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन सच ये है कि नेवी सील सबकी तरह ही बहुत साधारण लोग हैं, लेकिन हमारी सफल होने की इच्छा बहुत असाधारण है। वी आर जस्ट कॉमन पीपल विथ एन अनकॉमन डिजायर टू सक्सीड। ये असाधारण इच्छा कैसे पैदा होती है? ब्रेंट कहते हैं कि मैं अपने जीवन से खुश नहीं था, मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे मैं खुद पर गर्व कर सकूं। मैं बार बार नेवी सील के बारे में सोचा करता, फिर एक दिन मैंने निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं एक स्पेशल फोर्स ऑपरेटर बनकर रहूंगा। जब आपको अंदर से यकीन होता है कि सफलता मेरे मन और अस्तित्व का अभिन्न इच्छा है, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं सपने में भी लक्ष्य तक ना पहुंचूं। आई एंड गोल आर वन, मैं और लक्ष्य एक है। इस भावना से, इस यकीन से लक्ष्य को पाने की असाधारण इच्छा पैदा होती है, और इस असाधारण इच्छा के कारण आपको सफलता के बहाने मिलने लगते हैं। आप खुद को और दुनिया को अलग नजरिए से देखते हो और आपका पूरा जीवन बदल जाता है। ट्रेनिंग शुरू हुई और जीवन बदलने लगा। ब्रेंड लीसन कहते हैं कि मैंने तत्काल ट्रेनिंग शुरू की, कुछ दिनों बाद जॉब भी छोड़ दिया। जब मुझे यकीन हुआ कि मेरा शरीर पूरी तरह तैयार है, तो मैं पहाड़ों में चला गया, जहां मैंने 6 महीने और तैयारी की। फिर मैं नेवी सील ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा। ब्रेंड लीसन कहते हैं कि मैंने जमकर तैयारी की थी, इसके बावजूद ट्रेनिंग का पहला दिन मुझे आज भी स्पष्ट रूप से याद है, क्योंकि मैं इतना नर्वस था कि मेरे हाथ, पैर और घुटने कांप रहे थे। मुझे देखकर आप कह नहीं सकते थे कि मैं ट्रेनिंग पास करूंगा। दोस्तों, ये बहुत जरूरी लेसन है। ऐसा नहीं है कि आपको डर या घबराहट नहीं होती, लेकिन 100% कमिटमेंट होने के कारण आप इस मेंटल स्टेट में रुकते नहीं। अगर आप इस मेंटल स्टेट में रुकोगे तो गोल्स पर काम करना बंद कर दोगे, लेकिन 100% कमिटमेंट बहुत दुर्लभ होता है। ब्रेंट लीसन कहते हैं कि मेरी क्लास में 213 लड़के थे, जिनमें से सिर्फ 13 सेलेक्ट हुए। नेवी सील ट्रेनिंग रूल ऑफ 7 पर टिकी हुई है। रूल ऑफ 7 क्या है? अगर आपका दिमाग, आपका शरीर कहता है कि मैं आगे नहीं जा सकता, इस दर्द को सहन नहीं कर सकता, तो आप इसके 7 गुना और आगे जा सकते हो। अगर 8 किलोमीटर दौड़ने में आपका शरीर और दिमाग हार मान जाता है, तो इसका मतलब आप अभी 56 किलोमीटर और दौड़ सकते हो। ट्रेनिंग दिन प्रतिदिन कठिन होती जाती है, शरीर और मन को कष्ट देने के लिए नहीं, सबसे ताकतवर सैनिक चुनने के लिए नहीं, बल्कि ट्रेनिंग कठिन होती जाती है उन लोगों को छाटने के लिए जो नेवी सील के विजन के लिए 100% कमिटेड नहीं है। मतलब कमिटमेंट अंतर पैदा करता है कि आप गोल पूरे करोगे या रुक जाओगे। 100% कमिटमेंट कैसा होता है? कुछ भी हो जाए, एक पल के लिए भी मैं अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाऊंगा। मैं किसी भी कीमत पर अपने मन में डाउट्स बनाए नहीं रखूंगा। 10% से कम लोग होते हैं जो इस तरह का कमिटमेंट पैदा कर पाते हैं। इसलिए नेवी सील या किसी भी सिलेक्शन या एग्जाम में जो इस तरह का कमिटमेंट चाहती है, उनमें सिलेक्शन रेट 10% से कम होता है। कमिटमेंट से क्या होता है? कमिटमेंट से लेकर रेजिलियंस तक। जब आप कठिनाई के समय पीछे ना हटकर आगे बढ़ते हो, कठिन विकल्प चुनते हो, तब आपको खुद पर विश्वास पैदा होता है। भले ही आप 90% काम पूरा कर पाए, फिर भी आपको खुद पर विश्वास होता है कि मैं अपनी इच्छा से पूरा दम लगा सकता हूं। जब आप खुद पर विश्वास करने लगते हो, तब आपका कैरेक्टर बनता है। जब आपका कैरेक्टर बनता है, तब आप अपने लक्ष्य के प्रति डिसिप्लिन्ड और अकाउंटेबल हो जाते हो, जिससे रेजिलियंस पैदा होती है। एक सक्सेसफुल पर्पस ड्रिवन जीवन के लिए यही रेजिलियंस चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हो,
तो दो बातों को समझो कि रेजिलियंस एक विशेष ताकत है और एक विशेष माइंडसेट है जो आपको हर दिन कठिन ऑप्शन चुनकर कमाना पड़ता है। दूसरी बात, विनिंग इज अ कॉन्शियस डिसीजन। एक बार जब हमने स्वीकार कर लिया कि मैं पहले से ही सफल हूँ, आगे जो भी होगा लेकिन मैं सफल हूँ, इसका मतलब मैं कभी ये महसूस नहीं करने वाला कि मैं कमज़ोर हूँ। जैसे लोग रुकने का बहाना बनाते हैं, वैसे ही मैं जीतने का बहाना बनाता रहूँगा, मैं आगे बढ़ने का बहाना बनाता रहूँगा। जो ज़रूरी काम है वो मैं करूँगा। आज प्लानिंग करने की ज़रूरत है तो वो करूँगा, ब्रेक लेने की ज़रूरत है तो आराम करूँगा, गोल को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ूंगा, गलती मानकर दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है तो वो करूँगा, लेकिन मैं हमेशा लक्ष्य की दिशा में काम करता रहूँगा। नेवी सील में दो बातें कही जाती हैं, आई विल बी ऑल इन ऑल द टाइम, मतलब मैं कभी नहीं स्वीकारूंगा कि मैं असफल हूँ या कमज़ोर हूँ, मैं जीतने के लिए हमेशा पूरी शक्ति से जुटा रहूँगा, आई विल बी ऑल इन ऑल द टाइम। इसके साथ साथ नेवी सील का एक और नारा होता है जो हर नेवी सील बार बार दोहराता है, मैं कभी रुकता नहीं, मैं दृढ़ रहता हूँ, प्रतिकूलता में और बेहतर होता हूँ, मुंह के बल भी गिर जाऊं तो भी हर बार 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 दोबारा खड़ा हो जाता हूँ, आई एम नेवर आउट ऑफ द फाइट। और दोस्तों इसी तरह हम गोल्स पर काम करते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए कैसे ओजस बढ़ने से आपकी चेतना और मेंटल एंड्योरेंस में वृद्धि होती है। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा, हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।